सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया है रेलवे की तरफ से। अब की बार आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में लाखों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं एक छोटी सी गलती की वजह से। और वो गलती क्या होगी, तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है अगर उन्होंने फोटो सिग्नेचर आप पेमेंट में गलती की होगी तो उसका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। 100% का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी चांस नहीं है फॉर्म एक्सेप्ट होने का। उसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सौरभ भाई हमने फॉर्म अप्लाई के टाइम पे फोटो में गलती कर दी है, सिग्नेचर में हमने शॉर्ट सिग्नेचर किया है जबकि पूरा फुल सिग्नेचर वहां करना होता है, फोटो का बैकग्राउंड अलग था। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी और बहुत सारे बच्चे रो भी रहे थे, लेकिन आप सभी के प्रॉब्लम को रेलवे ने समझा है। और दोस्तों रेलवे ने और एक बार आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपने जो भी गलती किया है फॉर्म अप्लाई करने के टाइम उसको सुधार करने का। ये अपॉर्चुनिटी क्या है और ये नोटिस क्या है, इसके बारे में ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, फटाफट जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। ये नोटिस भी वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोस्तों जो नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का ये नोटिस रहने वाला है। देन दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एक्सेस फॉर अपलोडिंग प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर। देन दोस्तों ये क्या है, तो अभी आपको एक्सेस दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से फिर से पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। अब दोस्तों फोटो का जो बैकग्राउंड है वो दोस्तों आपको व्हाइट होना चाहिए और एक प्रॉपर अच्छा फोटो होना चाहिए, झिलझिल वगैरह फोटो नहीं होना चाहिए, कान में कनवाली उल्टा पुल्टा फोटो आपकी और मत अपलोड करना। ये आपके पास लास्ट चांस है फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करने का प्रॉपर, इसके बाद और रेलवे आपको चांस नहीं मिलेगा। देखिए एक दो बच्चे गलती करते ना तो रेलवे को ऐसा नोटिस जारी करना नहीं पड़ता, इसमें करीबन लाखों ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने गलती की है, ऐसे 1 से लेकर 2 लाख बच्चे होंगे जिन्होंने फोटो और सिग्नेचर के टाइम पे गलती की होगी, तभी जाके रेलवे को ऐसा नोटिस जारी करना पड़ा। तो भाई इसको सुधार करना, और सिग्नेचर आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि सिग्नेचर कैसे करना है, ऐसे ऐसे सिग्नेचर करके डाल देते हैं, ऐसे सिग्नेचर वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको प्रॉपर फुल सिग्नेचर करना होगा, पूरा यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा इस तरह से, ठीक है, तभी दोस्तों वहां पे आपको एक्सेप्ट किया जाएगा सिग्नेचर, नहीं तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपकी वजह से सिग्नेचर अपलोड करना तो पूरा प्रॉपर नाम लिख के अपना सिग्नेचर अपलोड करना, शॉर्ट हैंड सिग्नेचर आपका वहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा, ये चीज आप याद रखना। और प्रॉपर फोटो आपका अच्छा से अपलोड करना है, और कब से आप ये फोटो अपलोड कर पाओगे और सिग्नेचर अपलोड कर पाओगे, तो यहाँ पे देखिए आपको डेट यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, 15 जून से ये दोस्तों आपका ओपनिंग होगा, मतलब 15 जून से रात को 12 बजे से आप दोस्तों कलेक्शन कर पाओगे। और ये दोस्तों कब तक कर पाओगे, 17 जून 2024 तक, मतलब दोस्तों आपको 3 दिन का अप्रोक्स टाइम मिल जा रहा है आराम से इसको कलेक्शन करने का, ये आपके पास लास्ट चांस है, आप इसको दोस्तों जाके कलेक्शन जरूर करना, ठीक है। और ये 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी के लिए जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है, प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, तो उनका भी दोस्तों अगर कुछ गलती हो तो उसको करेक्शन कर सके, क्योंकि लास्ट में आप एग्जाम की तैयारी करोगे सब कुछ करोगे, लास्ट में आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर मेहनत करके इतना फायदा क्या है, मेहनत को 1 सेकंड लगता है पानी होने में, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो ये 15 जून से लेकर 17 जून तक इसको आप करेक्शन कर पाओगे, पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर, देन दोस्तों आप पूरा इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, आरआरबी के वेबसाइट से आप जाके इसको पूरा एक्सेस कर सकते हो। ये नोटिस आपको कहां मिलेगा, तो ये नोटिस मेरे टेलीग्राम चैनल हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कर दूंगा, जिस दिन ये करेक्शन होने स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको लाइव करेक्शन करके एक वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा कैसे इसको आप करेक्शन कर सकते हो, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये जब 15 जून से दोस्तों इसका करेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन मैं आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, जिन बच्चों ने भी गलती किया उसको ठीक कर लेना, क्योंकि ये लास्ट चांस है, इसके बाद और मौका नहीं मिलने वाला। तो वीडियो अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर कर लेना, और ये नोटिस का जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने सही नहीं किया तो की बार देखना, लाखों बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और लाखों बच्चों का लाइफ खराब होने वाला है। इनमें से कितने ऐसे बच्चों जो पढ़ने वाले होंगे, जिनका नौकरी होने वाला है आपकी बार आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती में, तो मेरे दोस्त गलती बिल्कुल मत करना, जब मौका मिला तो चौका मारना और उसको करेक्शन कर दो, जो भी आपने गलती की है नहीं की है। और अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि आपने गलती नहीं की, फिर भी इसको एक बार रीचेक कर लेना कि प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो क्लियर वाला फोटो अपलोड है कि नहीं, क्लियर वाला सिग्नेचर अपलोड है कि नहीं, रीचेक करने में क्या प्रॉब्लम है यार, जैसे आपको एक्सेस मिलता है उसको एक बार रीचेक कर लेना, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बात बाकी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। बस ज्यादा से इतने कहना चाहूंगा, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तुम वंशज है फेंक जहां तक भाला जाए, द्वंद तरफ लिखा हो भारत सिक्का वहीं छा जाए, तो बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।